आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके दर्शकों का स्वागत। महाराष्ट्र में भी, मैं महाराष्ट्र से आया हूं, मैं तो किसान नहीं हूं, एक प्रोफेसर हूं, रिटायर्ड प्रोफेसर, लेकिन स्टडी करता हूं और जमीन पे स्टडी करता हूं। तो फिर मुझे ये महसूस हुआ कि इन लॉकडाउन पीरियड में एमएसपी का ऐलान होता है, महाराष्ट्र में भी था, लेकिन कपास खानदेश एरिया है यानी नॉर्थ महाराष्ट्र, उसमें कपास खरीदी नहीं की। यानी कि एमएसपी खाली कानून कानून क्यों चाहिए फार्मर्स को, कि कानूनन उस पर परचेस करने के लिए राशि का इंतजाम करना चाहिए, सम बजेटरी प्रोविजन शुड बी देयर टू परचेस द प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्मर्स विथ सर्टन मिनिमम प्राइस, और उसके लिए बजेटरी प्रोविजन होनी चाहिए। और इसलिए जो मैं भी सिंघू बॉर्डर और यहाँ बॉर्डर पे जाके आया हूँ, बहुत किसानों के साथ बात कर रहा हूँ। एक किसान ने मुझे बताया, मैं बोला कि कितने दिन रहेंगे अभी, क्योंकि हमें आपको टीवी पे देखते देखते हमारा दम घुट रहा है, तो आप इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं। तो मुझे एक लगा कि एक बोला कि नहीं नहीं, हम हमारे हक के लिए नहीं लड़ते, हम उनकी इंसानियत को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि देखो कितना, ये मुझे लगता है कि ये आंदोलन स्वातंत्र्य के पहली बार, ये जो मोदी जो हमेशा बोलते हैं ना, स्वातंत्र्य के बाद पहली बार हमने ये किया, पहली बार ये किया, पहली बार इतना बड़ा गांधीयन फिलोसॉफी को लेकर सत्याग्रही मार्ग से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, और फैसिस्ट जो आदमी था वो फैसिस्ट गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए 19 तारीख से ही हम यहाँ इन लोगों का ये करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए आने वाले थे। तो प्रोफेसर, एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे जिस टाइम पे नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, एमएसपी की बात उन्होंने तभी कर दी थी, एक गठन हुआ था कमेटी का और एमएसपी लाएंगे ऐसे करके उन्होंने कहा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो एमएसपी पे अब कोई बात नहीं कर रहे हैं, और इवन उन्होंने जब ये कहा भी है कि हम कानून वापस लेंगे, कृषि कानून 3 वापस लेंगे, वहीं उनके जो मंत्रीगण हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बाकी अन्य जो मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद काले कानून वापस नहीं होंगे, चुनाव तक ही है, और चुनाव के बाद ये सब चीजें ऐसी हो जाएंगी, कैसे देखते हैं? हाँ हाँ, ये तो बहुत ही सत्य है कि ये हमेशा उनका जो बयान है वो बदलते हैं, झूठ बोलने में वो माहिर है। और ये क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, तो उनका भी एक लॉजिक समझ लो, वो दे आर द एजेंट्स ऑफ पूंजीपतियों को, वो एजेंट हैं, उनके अगर दलाल हो तो उनको झूठ मुठ के बोल, अगर मैं समझो किसी व्यापारी का दलाल हो तो मैं झूठ मुठ के बोलूंगा ना कि ये वॉशिंग मशीन ले लो, बहुत अच्छा है, नहीं तो अमिताभ बच्चन को हायर करूंगा और बोलूंगा मुथूट फाइनेंस बहुत अच्छा है और गोल्ड पे लोन देता है, अमिताभ बच्चन कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं है, मुथूट फाइनेंस का उन्होंने कुछ संशोधन किया है तो नहीं मतलब किया, कहने का मतलब ये है, ये बस एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट जितना झूठ होता है उतना ही मोदी का भाषण झूठ होता है, और कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। हमारे महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर थे, उनको हकल दिया अभी, वो प्रकाश जावड़ेकर मेरे मित्र है, वो अभी बोलते हैं कि मोदी तो इतने गरीबों के लिए क्या क्या किया, मोदी कुछ भी किया नहीं, जो भी वो बोले हैं उन्होंने कुछ भी जमीन पे कुछ भी नहीं आया है। इसलिए किसानों का आंदोलन जायज है, उनको उन पर मोदी जो बोलते हैं, उनका मंत्रिमंडल जो बोलते हैं, उस पर भरोसा नहीं है, ये सत्य है और ये अच्छा बराबर है, और वो लड़ रहे हैं और उनको हमारा पूरा समर्थन है। मैं भी युवक क्रांति दल का एक को फाउंडर हूँ, 1967 में हम सत्याग्रही पद्धति से आंदोलन किए हैं,
30-40 आंदोलन, इमरजेंसी में जेल में थे हम, तो ऐसे हमारे संगठनों का वहाँ महाराष्ट्र के शेतकरी आंदोलन का भी हमारा किसान आंदोलन के लिए समर्थन हम देते हैं, इसलिए देते हैं। तो प्रोफेसर एक चीज जानना चाहेंगे, आपने क्रांति, अपने जब आप युवा थे आपने क्रांति की, आपने आंदोलन किए, आज जो स्थिति है देश की, सिर्फ एक जो बहुत सारे आंदोलन होते हैं लेकिन जो फ्रूट कहते हैं ना, फ्रूटफुल जो चीज निकल के आई है वो किसान आंदोलन में आई है। एक साल से वो लड़ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कानून में वापस लूंगा। आपको क्या लगता है, आज बेरोजगारी है, आज महंगाई है, इतनी समस्या है, लेकिन आज जो लोग हैं देश के वो चुप हैं, वो क्रांतिकारी, उनके अंदर भाव क्यों नहीं है? वो इतना दब क्यों चुके हैं? वो अपनी आवाज क्यों नहीं निकालते हैं? क्या डर है? एक प्रोफेसर होने के नाते क्या सोचते हैं आप? हाँ, ये हमारा भी उदाहरण देता हूं मैं कि हमारे प्रोफेसर जो बनते हैं एकेडमिशियंस, कैसे मैं इस यहाँ तक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना, HOD बना, उसके बाद अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, तो इतनी मैंने तरक्की की हमारे एकेडमिक्स में। क्यों तरक्की की? क्योंकि मेरे गांव में जिला परिषद हाई स्कूल में मैं पढ़ा, प्राथमिक शिक्षा जो मुझे मिली वो हमारे जीवन शिक्षण मंदिर राशन से मिली, राशन मेरे गांव, मेरा जन्म गांव। अगर वो नहीं होता, अगर मैं सातवीं कक्षा में पास नहीं होता तो मैं हाई स्कूल में नहीं जा सकता और यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का सपना भी नहीं देख सकता। तो इसका मतलब है कि ये जो 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो नेहरू जी ने जो वेलफेयर स्टेट किया था तो उसमें क्या था, पूरी पूंजीपतिवादियों को भी उन्होंने दिया थोड़ा, यानी कि प्रोत्साहन, लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी वॉज टिल्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड दैट वॉज सस्टेनेबल। ये क्या हुआ, पूरा राइट विंग में उन्होंने गए हैं और उसमें पूंजीपति लोगों का ही वो एजेंट के जैसे काम कर रहे हैं, वो खुद करते हैं, उनके वो जो प्रधान सेवक है उनके पूंजीपति के सेवक ही है, हमारे सेवक नहीं है वो, तो उनके लिए। एंड नाउ ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम पर्यावरण को खलास करती है। अभी देखो ना, यहाँ 4% सर ने बोला, इस शत प्रतिशत सही है, हमारा स्टडी भी वही, मैं पर्यावरण शास्त्र का अभ्यासक हूं, तो 4% पोल्यूशन, दिल्ली का पोल्यूशन के लिए जो जिम्मेदार है उसको जेल में डाला है। आपने कभी देखा कि कोई रिलायंस इंडस्ट्री है, कोई टाटा की इंडस्ट्री है, इसलिए टाटा को जेल में डाला है, उन्होंने पोल्यूशन किया, ये उनके जो 1992 वाटर एक्ट के, एयर एक्ट के प्रमाणित, उन्होंने अगर इफ दे हैव क्रॉस द लिमिट हैव दे, उनको अगर जेल हुई है क्या, हमारे किसानों को क्यों? यानी कि एनवायरमेंटल जस्टिस इज नॉट गिवन टू द पुअर पीपल, जो गरीब है उनको पर्यावरण का न्याय भी नहीं मिलता। और पर्यावरण खत्म करना ये पूंजीपति वादियों का एक, क्योंकि पर्यावरण का रहस्य होने के बाद लोकशाही भी खत्म हो जाती है और डिस्पैरिटी बढ़ गई है, और ये डिस्पैरिटी इतनी है कि बाकी लोगों को डर क्यों है? देखो, मुझ पर 2 CBI के केसेस चल रहे हैं, अच्छा हुआ महाराष्ट्र में उनका सरकार गिर गया, इसलिए अच्छा हुआ हमारे पुलिस मुझे पकड़ते नहीं महाराष्ट्र के, तो इसलिए मैं यहाँ आ सका। तो क्या भ्रष्टाचार किया मैंने? मेरे कुछ संशोधन प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसमें भ्रष्टाचार किया, तो आप सब लोगों को मालूम है संशोधन प्रोजेक्ट में जो पैसा आता है वो यूनिवर्सिटी वाले जो भी खर्चा करता है वो करते हैं, उसकी सिस्टम होती है, मेरा कोई लेना देना नहीं होता। अगर मेरे लेबोरेटरी में फर्सी भी बिठाई तो मैं पैसे नहीं देता, अगर 4 करोड़ लगे तो भी कोई मेरे इन्वायरमेंट साइंस की बिल्डिंग जो मैं HOD बन गया उसके लिए समझो 25 करोड़ का खर्चा हुआ, उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं होता, तो फिर भी मुझ पर वो केस लगाए। ये आंदोलन इतना सस्टेनेबल क्यों है? क्योंकि ये है जैविक, यानी कि जमीन से उभर के आया है, और ये उभर के आया है ऐसा कि मैंने देखा नौजवानों को, वो बोले कि हम 10 लोग आते हैं हमारे गांव से, यहाँ 10-15 दिन रहते फिर जाते हैं, हमारी टर्न आती है 2-3 महीने के बाद,
ये दिस इसका मतलब ये होता है कि 100 लोग वहाँ हर हर गांव में अंबाला से यहाँ आते हैं और आते वक्त उनका राशन भी लेके आते हैं और गुरुद्वारा में वो सबमिट करते हैं। पैसा बोले तो पैसा खाली कम पड़ा तो जैसे अभी देखा ना वैसे पैसा आता है उन पर, कुछ ईडी नहीं चलेगा उन पर, इनकम टैक्स की रेड नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जैविक है, उभर से आया है और ये जैसे तृण आते हैं वैसा ही आंदोलन उभर के आया है। इसलिए मैं उस आंदोलन को सलाम करता हूं और उससे सीखने के लिए हम यहां आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।